हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में फ्रेंड्स, हम करेंगे घंटी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन, यानी या इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 व 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि ये घंटे एक साथ कितने समय बाद बजेंगे, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो भी हमें समय दिया होगा उनके बजने का, जैसे 6, 7, 8, 9 एंड 12, सीधे सीधे इनका क्या निकाल देना है, लासा। देखिए, मैं 3 से करता हूँ, 3 दूनी 6, 7 ऐसी रहा, 8 ऐसी, 3 तीन 9 और 3 चौक 12। ठीक है, देखिए अब करेंगे हम 2 से 2 1 कम 2, 7 ऐसे ही रहने दिया, 2 चौके 8, 3 ऐसे ही 2 दूनी 4। ठीक है, अगेन हम फिर किससे करते हैं, 2 से 1 ऐसे ही रहा 7 ऐसे ही रहा 2 दूनी 4 3 और 2 1 कम 2। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, इसलिए अब हम क्या निकाल लेंगे, इसका LCM। ठीक है, यानी देखिए 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, देखिए क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84। ठीक है, 3 दूनी 6 ये हमने ऐसे ही करके लिख लिया। ठीक है, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगा 2, 6 48 और 2 50, यानी इसका लासा आया 504। तो ये 5ों घंटे एक साथ बजेंगे 504 सेकंड के, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घंटियों पे ही दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन और है। ठीक है, देखिए क्या है, 3 घंटियाँ क्रमशः 6, 24, 28 के अंतराल पर बजती हैं, यदि 1 बजे वे इकट्ठी बजें तो 1 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। फ्रेंड, उस समय वो हमसे ये पूछ रहा था कि वे कब इकट्ठी बजेंगी, अब उसने ये पूछ लिया कि 1 घंटे के अंदर अंदर वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले जो हमें समय दिया है 6, 24, 28, इसका हम क्या निकालेंगे, इन सब का निकालेंगे हम LCM। तो दोस्तों 6, 24 और 28 का LCM आएगा 168, यानी ये 3ों घंटियाँ एक साथ बजेंगी 168 सेकंड के बाद। ठीक है, LCM आएगा 168 सेकंड। ठीक है दोस्तों, आप निकाल लीजिएगा इसका LCM, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखिए 1 घंटे में पूछा है उसने हमसे, पूछा है 1 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे में देखो, चूंकि LCM सेकंड में आया, इसलिए 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 3600 सेकंड में यानी जितने भी समय में कहा जाए उसको भाग कर देना है 168 से, और जब हम 168 से इसे भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21 सही 3/7। अब देखिए 3/7 को छोड़ देंगे, 21 जो है पूर्ण संख्या होल वाली वो ले लेंगे, प्लस इसमें एक और प्लस कर देंगे, यानी आ जाएगा 22, यानी 1 घंटे के अंदर ये घंटियाँ 22 बार एक साथ बजेंगी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चंस को और किस तरीके से घुमाकर वो पूछ लेता है, इसी कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए फ्रेंड इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को वो किस तरीके से और घुमाकर पूछ लेता है, देखिए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए वो कह रहा है, ए बी व सी एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं, ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी एक चक्कर 308 सेकंड में और सी एक चक्कर 108 सेकंड में पूरा करता है, तो वो पुनः आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। यानी ये ठीक वही वाला क्वेश्चन है जिसमें 1 घंटियाँ इतने इतने समय बाद दी हुई थी बजती हैं, फिर वो कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, वही इसने घुमा के पूछ लिया कि कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हम सीधे सीधे इस कॉन्सेप्ट में भी क्या करेंगे, इनका निकालेंगे LCM। देखिए सबसे पहले 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 चौके 8, और ये हो जाएगा 198। ओ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 198 था। ठीक है, देखिए तो ये भी क्या होगा, 198, यानी हो जाएगा 2 ने 18 और 2 ने 18। ठीक है, अब देखिए अब हम इसे फिर से करेंगे, 2 से 2 6 12 और 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14 और ये 99 ऐसे ही रहा। ठीक है, अब हम इसे करेंगे 7 से 7 ने 63, ये 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 और ये 99 ऐसे ही रहा। और देखिए जब इसका करेंगे तो
नौ एकम नौ, इलेवन ऐसे ही रहा और ये क्या हो जाएगा, नौ एकम नौ, नौ एकम नौ। अब फिर 11 से कर देंगे तो ये वन ऐसी रहा, 11 एकम 11 और 11 एकम 11। यानी सिंपल वे में जब हमने इसे किया तो देखिए, अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी इसका लासा देखिए क्या आ जाएगा। देखिए हो जाएगा 2 × 2 × 7 × 9 × 11। यानी जब हम इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2772। ठीक है, यानी हो गया 2772 सेकेंड। यानी ये सब 2772 सेकेंड के बाद मिलेंगे। अब अगर हमें इसे मिनट में बदलना है तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इसे भाग कर देंगे किससे, 60 से। ठीक है, जब हम इसे 60 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 46 मिनट 12 सेकेंड। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा।